क्या है ये बताइए, गैस व्हाट, गैस कीजिए, थोड़ी देर गैस कीजिए। ऑडियो जंप। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए अभी चल रही है जोरों शोरों में पढ़ाई, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल डेज में इतनी पढ़ाई नहीं चलती है कि 11 बज रहे हैं रात में और ये दोनों शराफत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो रात में कमी पड़ चलती है इन दोनों की पढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, क्या है ये बताइए, गैस व्हाट, गैस कीजिए, थोड़ी देर गैस कीजिए। चलिए बता देती हूँ मैं, जितने लोगों ने गैस कर लिया था वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि आप लोगों ने गैस कर लिया था। तो ये है बटर, मैंने निकाला है मक्खन, अब मैं इसका निकालूंगी घी। देखिए कितना अच्छा निकला हुआ है, एकदम टाइट टाइट, देखिए बहुत अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दीवल, आप सबका मेरे चैनल कायनात दीवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब, आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग में देखा कि कल पूरी रात लग गई थी मुझे सेंटा क्लॉज बनाते बनाते, या अल्लाह बड़े दिन के बाद में ऐसा कुछ हार्ड वर्क था, कुछ ना कुछ वक्त तो रहता ही है, बट धीरे धीरे टाइम ऐसा जाता गया कि पता ही नहीं चला। खैर पता तो चला, थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वैसे वाला पता चला, लेकिन टाइम जल्दी जल्दी जा रहा था। खैर फाइनली मैंने अपना सेंटा क्लॉज पूरा किया, जो कि आपने देखा, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किए कि हाँ काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद में फिर कितना 6:30 तो मुझे बज ही गया था, और 8 बजे जैसे कि मैं ब्लॉग डालती हूँ तो जल्दी जल्दी मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग करी, और इत्तेफाक था कि बिल्कुल 8 बजे लास्ट मैंने कंप्लीट अपना करके वीडियो पोस्ट किया अपना, और उसके बाद में फिर बच्चों में लग गई मैं, बच्चों को स्कूल भेजना था उनको। खैर मैंने एडिटिंग के टाइम तो बच्चों को उठा दिया था पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद में मैं बच्चों को भेजने गई, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है ना, कितना भी सोच लो कि बच्चों को छोड़ के आने के बाद में सोने मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है, तो मैं नहीं सो पाई पूरा टाइम, और घर के काम करती रही, और उसके बाद में फिर दोपहर के बाद में मैं सो गई थी। तो अभी थोड़ा फ्रेश हूँ, और फिर शाम को उठ के फिर वही रूटीन कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा रही थी, और वही खाना पीना, तो वो सब मैं आपसे अभी क्या आज का शेयर करती, तो इसलिए मैंने अभी कुछ ऐसा बनाया नहीं, तो बस मैं आप लोगों से ऐसी थोड़ी बातचीत करने आ गई हूँ। तो आज वैसे मुझे अपना शॉर्ट आउट देना था, और मैंने सोचा था कि मुझे देना है क्योंकि संडे को देना था मुझे, तो वो मेरा सेंटा क्लॉज के ब्लॉग में ही पूरा टाइम चला गया और ब्लॉग भी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा था कि आज दूंगी मैं अपना शॉर्ट आउट, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट उसमें देखा था कि शॉर्ट आउट वाले ब्लॉग में कि मुझे फैज के साथ में देना था, अकेले तो मैं कर सकती हूँ और करती मैं, लेकिन ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है वो साथ में होता है, तो क्योंकि और टाइम तो इतना कभी रहता है कभी नहीं रहता, तो मुझे लग रहा था कि फैज को होना है, तो मैंने शाम में उसको बोलता, लेकिन उसकी पढ़ाई चल रही थी और एग्ज़ाम है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं, और अब मैं फ्री होकर रात में उसको बोलती तो फिर वो रात में पढ़ते पढ़ते बच्चा थक गया था तो सो गया है अभी, तो ये लोग सो गए हैं, तो उसने बोला था कि मम्मा आप कर लेना अपना, और मुझे नींद आ रही है, तो पहले मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको अपना शार्ट आउट देती हूँ आज का, लेकिन वही है कि मुझे फैज के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो आगे चल के मैं अकेले ही करूँगी, कभी करूँगी कभी नहीं करूँगी, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग थी ना मेरी, तो मैं चाह रही थी कि उसके साथ में ही करूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, मतलब मैं संडे को जो शाउट आउट दूंगी, ब्लॉग तो मेरे रोज़ आएंगे, आप लोगों से रोज़ मैं मिलूंगी, लेकिन जो अगले हफ्ते अब मैं शाउट आउट दूंगी अपने बच्चे के साथ में, तो वो लोग प्लीज़ आप लोग देखना ना भूलें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, लेट हो गया है, तो सुबह मुझे उठना भी है बच्चों के लिए, तो आप लोग बस अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।